वहीं रायपुर के सर्किट हाउस में गृह विभाग की बैठक हुई, जिसमें गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू समेत पुलिस के सभी अधिकारी मौजूद रहे। वहीं बैठक के बाद सीएम भूपेश बघेल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जहां बीजापुर और सुकमा में राशन की दुकान आंगनबाड़ी बनाने पर चर्चा हुई, तो वहीं बंद हुए सभी संस्थानों को फिर से खोलने पर भी चर्चा की गई। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिले में नक्सली मूवमेंट को लेकर भी पुलिस विशेष अभियान चला रही है। इस मौके पर सीएम भूपेश बघेल ने विपक्ष पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सभी को पता है कि नाथूराम गोडसे किस संगठन से जुड़ा हुआ था। यूनिफाइड कमांड की बैठक हुई, जिसमें केंद्रीय गृह विभाग के सचिव भी आए थे और हमारे जितने भी यहाँ के मुख्य सचिव, डीजी सहित सारे जितने भी पैरामिलिट्री फोर्स यहाँ हैं, तो सीआरपीएफ के डीजी और सारे अधिकारी उपस्थित थे और अन्य विभाग के अधिकारी भी उपस्थित थे। हमारे गृह मंत्री विशेष रूप से उपस्थित थे। अच्छी बैठक हुई और अभी पैरामिलिट्री फोर्स और स्टेट पुलिस के बीच समन्वय बहुत अच्छा है। साथ ही कैंप भी बहुत सारे खोले हैं और कैंप के साथ साथ जो वहाँ विकास के कार्य हैं, जो आम जनता की जो सुविधाएं की चीज़ें हैं, वो सब चीज़ हम लोगों ने स्वीकृत भी किया और इस्टेब्लिश भी हुआ। जैसे उधर आप बीजापुर या सुकमा में कहें तो राशन कार्ड नहीं था, आधार कार्ड नहीं था, सब बनवाने का काम, राशन दुकान, आंगनबाड़ी, स्कूल खोलने का काम, 260 स्कूल हम लोगों ने जो बंद पड़े थे उसको शुरू किए, सड़कें भी बनाई, टेलीफोन की भी सुविधाएं हुई, टावर भी लगे। तो इस प्रकार से लगातार केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सम्मिलित प्रयास से और पैरामिलिट्री फोर्स और स्टेट पुलिस से डीआरजी के मेहनत से नक्सली काफ़ी पीछे हटे हैं और लगातार हमारी कोशिश ये रही कि हमारी जो नीति है विश्वास, विकास और सुरक्षा, इसको लेके आगे बढ़े हैं। इसका देखिए, इनका इतिहास रंगा पड़ा है, सब जानते हैं नाथूराम गोडसे किस संगठन से जुड़ा हुआ था, सब जानते हैं जेरम घाटी घटना कैसे घटी। तो इनका इतिहास यही है और अभी प्रदर्शन किए, जब सत्ता में थे तब भी मेरे शासकीय निवास में चप्पल जूता फेंकने का काम किया, जब मैं प्रदेश अध्यक्ष था काली पोतने का काम किया, आज विपक्ष में तब भी वही काम कर रहे थे। इस प्रकार की हरकतें वो करते रहते हैं, उसका आदत में उनके साथ शामिल है, उसके कार्यक्रम में शामिल है।